साइबर क्राइम थाने में, और हमारे साथ एक और महिला जुड़ चुकी है जिनका नाम है नीतू शर्मा, जो कि यहाँ के SI है। आइए हम उनसे जानते हैं कुछ बेसिक चीजें जो कि हर महिलाओं को जानने की जरूरत है। मैम आपको बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको महिला दिवस पे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो महिलाएं आज के टाइम पे छोटी से लेकर के बड़ी एज तक की महिलाएं हर तरह की साइबर क्राइम, डिजिटल नेटवर्क इतने बढ़ने की वजह से ये क्राइम कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, तो कहीं ना कहीं लड़कियां इस चीज से डरती भी है कि हम वो कंप्लेंट फाइल करें या ना करें, और कोई करती भी है तो वो उस चीज का रिजल्ट नहीं मिल पाता है। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए उन्हें? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि रिजल्ट नहीं मिल पाता है। आप अपनी कंप्लेंट कीजिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। और प्लस थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए महिलाओं को भी। महिलाएं थोड़ा क्या है, सेंसिटिव होती हैं, बहुत ज्यादा जल्दी किसी की बातों में आ जाती है। लाइक आप फेसबुक पे फ्रेंड्स बनाने में किसी भी अननोन पर्सन की रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट ही नहीं कीजिए जब तक आप उसको जानती नहीं है ढंग से। क्या होता है कि फेसबुक वगैरह पे फ्रेंड्स बन जाते हैं, फिर चैटिंग शुरू हो जाती है, फिर गिफ्ट्स के नाम पर या कुछ भी, फिर मतलब रिलेशंस के नाम पर लोग मतलब फिर बातें आगे बढ़ती हैं इस तरह से, फिर वो क्राइम के उसमें चंगुल में फंसते जाती है। उनके साथ फ्रॉड होता है, टीनेज होती हैं, खासकर टीनेज भी होती हैं। और ऐसा नहीं है कि एज वाइज आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। कभी कभी क्या होता है, ओल्ड एज भी और मिडिल एज भी जो फीमेल्स हैं वो भी कभी कभी बातों में आ जाती हैं, तो थोड़ा सा अवेयरनेस जरूरी है। जैसे मैम ये भी देखा है मैंने कि इस तरह की केसेस आपके पास जरूर आती होगी, तो इस तरह के में ऐसा क्या आपको दिखता है कि जो कि लोगों को बताना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो ये इंस्टाग्राम फेसबुक पे किसी भी अननोन पर्सन की आप एक्सेप्ट कर रिक्वेस्ट कभी भी एक्सेप्ट नहीं कीजिए। किसी को भी अपने बारे में ज्यादा कुछ मत बताइए, अपनी पर्सनल चीजें कुछ मत शेयर कीजिए, जिससे क्या है कि लोग उस चीज का फायदा उठाने लगते हैं। तो सबसे पहले फीमेल को अंदर से स्ट्रांग बनना है, अपने आप को स्ट्रांग बनना है। सेकंड स्टेप, अगर आपके साथ फ्रॉड हो चुका है तो प्लीज आप इस चीज को छुपाइए नहीं, अपनी फैमिली को नहीं बताना है कुछ भी। आप आइए, कंप्लेंट कीजिए। आजकल ऑनलाइन पोर्टल है, आप पोर्टल पे कंप्लेंट कीजिए, नंबर है आप उस नंबर पे कॉल कीजिए। जो फर्स्ट टाइम हम स्टेप उठा सकते हैं उसी टाइम इनिशियली स्टेज पर जो फर्स्ट स्टेप उठाना है आप कॉल कीजिए, वरना 300 पर हम वो स्टेप उठाएंगे। आप कंप्लेंट कीजिए, आपकी बात जरूर सुनी जाएगी और आपकी समस्या का समाधान भी निकाला जाएगा। जी मैम, आपकी बातों से आई एम श्योर बहुत सारी महिलाओं को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, और मैं ये बात से बस इतना ही समझती हूँ कि कहीं ना कहीं महिला की सुरक्षा उसके खुद के हाथों में है। आप जो भी करें समझदारी से करें और आगे का ध्यान रखें। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इन छोटी सी बातों से मुझे लग रहा है काफी लोग इंस्पायर होंगे। आपके गुड टाइम के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू।